मुरैना में 4 साल के मासूम के साथ बलात्कार के बाद हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों का आरोप है कि आरोपी मृतक बच्ची की चाची से भी रेप की घटना को अंजाम दे चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में इंसानियत फिर शर्मसार, मासूम के साथ हैवानियत। पहले भी रेप मामले में जेल जा चुका है आरोपी। आरोपी ने कबूल किया अपना गुनाह। मध्य प्रदेश के मुरैना से इंसानियत को शर्मसार और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। गुरुवार देर रात शाम 4 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। बच्ची का शव सरसों के खेत में मिला है। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को भी हिरासत में लिया है। 5 बजे शाम के सूचना मिली कि एक नाबालिग बच्ची की लाश खेत में पड़ी हुई है। इस पर से थाना प्रभारी उनकी टीम मौके पर पहुंची। जो FSL टीम है वो भी मौके पर पहुंची। मौका मुआयना किया गया और उसके बाद FSL टीम ने भी पूरी उसकी तस्दीक करी। जो मैंने घर पर परिजनों ने जो स्टोरी बताई थी उसके हिसाब से रिपोर्ट भी लिख करी गई। एक संदिग्ध पास में ही जो परिवारजनों ने द्वारा बताया गया, जिस पर कि शंका जाहिर करी गई, उसको राउंड अप किया गया। उसके मेडिकल परीक्षण कराया गया, कपड़ों का परीक्षण कराया गया, FSL परीक्षण कराया गया, जिसमें कि कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिससे कि वो संदिग्ध जो है वो आरोपी के रूप में प्रतीत हुआ, जिसको कि राउंड अप किया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। मृतक बच्ची के परिजनों का आरोप है कि आरोपी इससे पहले मृतक बच्ची की चाची से रेप के आरोप में 6 महीने की जेल की सजा के बाद कुछ दिनों पहले जमानत पर रिहा होकर गांव लौटा था। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी युवक ने घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया है। ये ऐसा संज्ञान में आया है कि एक वर्ष पूर्व लड़की के परिजन द्वारा ही 376 का मामला उक्त आरोपी पर पंजीबद्ध हुआ था, जो कि कुछ दिन पूर्व ही जेल से रिहा होकर वापस आया। इससे पहले घटना से गुस्साए परिजन शव को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार नहीं थे और आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर उन्होंने चक्का जाम भी किया, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी। परिवारजन क्योंकि आक्रोशित थे, क्योंकि घटना ही इस गंभीर प्रवृत्ति की है कि उनका होना स्वाभाविक है, इस पर से उन्होंने कुछ देर के लिए चक्का जाम अपना आक्रोश व्यक्त किया, पर तो समझाए बुझाए से वो लोग जो है अपने विधिवत तरीके से वहां से डिस्पर्स हो गए। बहरहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 363, 367 और 302 और पॉक्सो और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन इस घटना से पूरे देश में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर एक फिर से बड़ा सवाल उठ रहा है। मुरैना से संवाददाता सोमदत्त के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।